आज के पौराणिक पॉडकास्ट में हम सुनेंगे महर्षि विश्वामित्र की कहानी। महर्षि विश्वामित्र रामचंद्र जी के गुरुओं में से एक थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पौराणिक पॉडकास्ट। महर्षि विश्वामित्र महाराज गांधी के पुत्र थे। कुश वंश में पैदा होने के कारण इन्हें कौशिक भी कहते हैं। ये बड़े ही प्रजापालक तथा धर्मात्मा राजा थे। एक बार यह सेना को साथ लेकर जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। वहां पर ये महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। महर्षि वशिष्ठ ने इनसे इनकी तथा राज्य की कुशल क्षेम पूछी और सेना सहित आतिथ्य सत्कार स्वीकार करने की प्रार्थना की। विश्वामित्र ने कहा, भगवान हमारे साथ लाखों सैनिक हैं। आपने जो फल फूल दिए उसी से हमारा सत्कार हो गया। अब हमें जाने की आज्ञा दें। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें बार बार पुनः आतिथ्य स्वीकार करने का आग्रह किया। उनके विनय को देखकर विश्वामित्र ने अपनी स्वीकृति दे दी। महर्षि वशिष्ठ अपने योग बल और कामधेनु की सहायता से विश्वामित्र को सैनिकों सहित भली भांति तृप्त कर सके। कामधेनु के विलक्षण प्रभाव से विश्वामित्र चकित हो गए। उन्होंने कामधेनु को देने के लिए महर्षि वशिष्ठ से प्रार्थना करी। वशिष्ठ जी के इनकार करने पर वे जबरन कामधेनु को अपने साथ ले जाने लगे। कामधेनु ने अपने प्रभाव से लाखों सैनिक पैदा किए। विश्वामित्र की सेना भाग गई और वे पराजित हो गए। इससे विश्वामित्र को बड़ी ग्लानी हुई। उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया। वे जंगल में जाकर ब्रह्म ऋषि होने के लिए कठोर तपस्या करने लगे। तपस्या करते समय सबसे पहले मेनका अप्सरा के माध्यम से विश्वामित्र के जीवन में काम का विघ्न आया। ये सब कुछ छोड़कर मेनका के प्रेम में डूब गए। जब इन्हें होश आया तो इनके मन में पश्चाताप उदय हुआ। ये पुनः कठोर तपस्या में लग गए और सिद्ध हो गए। काम के बाद क्रोध ने भी विश्वामित्र को पराजित किया। राजा त्रिशंकु सदैव स्वर्ग जाना चाहते थे। ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होने के कारण महर्षि वशिष्ठ जो उनके कुलगुरु थे उनका कामनात्मक यज्ञ करवाना स्वीकार नहीं किया। विश्वामित्र के तप का तेज उस समय सर्वाधिक था। त्रिशंकु विश्वामित्र के पास गए और वशिष्ठ से पुराने वैर को स्मरण करके विश्वामित्र ने उनका यज्ञ कराना स्वीकार कर लिया। सभी ऋषि इस यज्ञ में आए किंतु वशिष्ठ के 100 पुत्र नहीं आए। इस पर क्रोध के वशीभूत होकर विश्वामित्र ने उन्हें मार डाला। अपनी भयंकर भूल का ज्ञान होने पर विश्वामित्र ने पुनः तप किया और क्रोध पर विजय करके ब्रह्म ऋषि हो गए। सच्ची लगन और सतत उद्योग से सब कुछ संभव है, विश्वामित्र ने सिद्ध कर दिया। श्री विश्वामित्र को भगवान श्री राम का दूसरा गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये दंडकारण्य में यज्ञ कर रहे थे। रावण के द्वारा वहां नियुक्त ताड़का, सुभाऊ और मरीच जैसे राक्षस इनके यज्ञ में बार बार विघ्न डाल रहे थे। विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से जान लिया कि त्रैलोक्य को भय से त्राण दिलाने वाले पर ब्रह्म श्री राम अवतार अयोध्या में हो गया है। फिर वे अपनी यज्ञ रक्षा के लिए श्री राम को महाराज दशरथ से मांग ले आए। विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा हुई। इन्होंने भगवान श्री राम को अपनी विद्याएं प्रदान की और उनका मिथिला में सीता जी से विवाह संपन्न कराया। महर्षि विश्वामित्र आजीवन पुरुषार्थ और तपस्या के मूर्तिमान प्रतीक रहे। सप्तऋषि मंडल में आज भी ये विद्यमान है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से द्वादश भाव या मीन राशि में बैठे गुरु को विश्वामित्र भी माना जाता है। यदि किसी का गुरु द्वादश भाव या मीन राशि में बैठा हो तो उस व्यक्ति के जीवन में काम और क्रोध को लेकर अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। यदि व्यक्ति इनसे ऊपर उठ जाए तो वह व्यक्ति परमार्थ को प्राप्त करने में सक्षम होता है। नक्षत्रों और ज्योतिष के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरे YouTube और Spotify चैनल्स देख और सुन सकते हैं। आज का हमारा पॉडकास्ट बस यहीं तक। आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं। उनके साथ ये कहानी WhatsApp या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें
और सनातन कहानियों को लोगों तक पहुंचाने में मेरे इस उद्देश्य को पूरा करने में मेरी मदद करें। मैं आपकी कथाकार अनुराधा फिर लौटूंगी एक ऐसे ही पौराणिक कथा के साथ। नारायण नारायण।